सम्राट पृथ्वीराज फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड मैंने देखी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो मैं आज ऐसे आपको पांच चीजें बताने वाला हूं जो मुझे अच्छी लगे एंड पांच ऐसी चीजें जो मुझे मूवी के बारे में नहीं अच्छी लगे। नंबर वन, इस फिल्म का VFX काफ़ी अच्छा है। अक्षय कुमार का जो फर्स्ट सीन है, जो एंट्री सीन है, जहाँ पे यू नो आपने ट्रेलर में भी वो फुटेज देखा जहाँ पे लायंस अक्षय कुमार को अटैक कर रहे हैं, दैट सीन इज वेरी वेल एडिटेड एंड VFX तो बहुत ही अच्छा है। सेकेंड पॉइंट, अक्षय कुमार एंड संजय दत्त की जो केमिस्ट्री है ना मूवी में, इट्स वेरी गुड। मतलब जब अक्षय कुमार उनको मूवी में काका बोलते हैं, जो उन्होंने एक ट्रेलर में भी वो सीन दिखाया है, इट्स वेरी गुड। मतलब ऐसे लगता है ना इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए ना वो डायलॉग सुन के प्यार आ जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। फर्स्ट हाफ में ऐसे बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे हरिहर का म्यूजिक उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है। फोर्थ पॉइंट, वो वाला सीन जहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी एक दूसरे के सामने आते हैं एंड उन्होंने जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है, जो हरिहर का म्यूजिक टाइटल ट्रैक है, वो उन्होंने परफेक्टली फिट किया है। एंड जो फाइट दिखाई है, दैट इज वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड एंड एडिटेड, बट आई जस्ट विश कि वो फाइट हमें थोड़ी ज्यादा देखने मिलती। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इस मूवी का क्लाइमैक्स। द क्लाइमैक्स इज वेरी इम्पैक्टफुल एंड डिस्टर्बिंग। अक्षय कुमार ने जो काम किया है ना, मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ युद्ध का, इट्स वेरी इम्पैक्टफुल एंड पता नहीं यार, मतलब जब वो सीन देखोगे ना, अब थिएटर से निकलोगे ना, वो इम्पैक्ट आप पे पक्का रहने वाला। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी चीजें जो मुझे अच्छी नहीं लगी। ओके, नंबर वन, इस मूवी का पेस। द मूवी इज वेरी 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 स्लो, बट अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे तो दिस मूवी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप थिएटर में जाओगे, यू नो आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स मिलेंगे जहाँ पे लोग तालियां बजाएंगे, सीटी मार डायलॉग बोलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट अ कमर्शियल फिल्म, एक ऐसी फिल्म है जहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट सम्राट पृथ्वीराज। तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दो। मूवी में एक लीनियर स्टोरी नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे यू नो इवेंट्स को एक साथ कंपाइल कर दिया है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट नहीं बना रहता। अगर आपका जोन है, वो माइंडसेट है ये मूवी देखने का, जो यू नो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा अबाउट सम्राट पृथ्वीराज, सो दिस इज अ परफेक्ट मूवी फॉर यू। अक्षय कुमार एंड मानुषी छिल्लर की जो केमिस्ट्री दिखाई है, विजयी वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, इतनी निखर के नहीं आई है। अगर आप मूवी का 60% अगर आप लव स्टोरी रख रहे हो तो वो ना एक फील आना चाहिए जो एंड तक नहीं आता। तो गाइज, ये था मेरा ओपिनियन अबाउट सम्राट पृथ्वीराज। आई एम नॉट अ क्रिटिक, एज अ बॉलीवुड फैन ये मैं मूवी देखने गया था थिएटर्स में, तो इसलिए मैंने आपको ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे अच्छी लगी एंड नहीं लगी। आप मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये मूवी कैसे लगी। एंटिल देन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिल्मी मिर्ची।